तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिनिक्स गेमर। आज मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड, जिसमें होगी बहुत कठिनाइयाँ लड़ने में। तो मैं उतरा हूँ जॉर्जो पुल और यहाँ पे आई होती है एक स्क्वाड। और ये देखो आते ही पबजी के ग्लिच, ये फर्स्ट एड अंदर घुस गई। तो मैं यहाँ से गन वन तो उठा लेता हूँ। अब यहाँ पर होते हैं बहुत गलत सीन। यहाँ पर एक बंदा उतरा होता है जो खेल रहा होता है, खेल तो नहीं रहा होता उसे सोलो वर्सेस स्क्वाड, पर वो उतरता है तो उसको पकड़ के पेटी बना देते हैं ये पूरी स्क्वाड मिलके। तो उतरते हुए तो तीन थे पर ये चार को बजाते हैं, पता नहीं चलता। और जो उतरा होता है उसकी तो पकड़ के पेटी बना दी बुरी हालत में। तो ये अब घूमते हुए मेरी तरफ आते हैं मेरी पेटी बनाने, पर बना नहीं पाएंगे भैया। ना 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 ना, हमें मारना मारना इतना भी आसान नहीं है भैया। देखो कैसे इनको छटकाता हूँ मैं धीरे धीरे। सारे के सारे अपना मुंह उठा के और गने बने उठा के पता नहीं क्या क्या गन चला रहे थे। बॉटों पे इतना अत्याचार चल रहा था भाई, सब कसम से सब गन लेके आ जाते हैं भाई, पूरे चार होते हैं कसम से। बहुत तेज फट रही होती है और मैं इधर उधर कर रहा होता हूँ ये, और फुटी स्टेप तो इतने सारे आ रहे होते हैं, मैं कन्फ्यूज होता हूँ किसको मारूँ पहले। तो मैं सबसे पहले लास्ट वाले को पकड़ता हूँ पता नहीं, और ये हो जाती है मुझसे गलती। मैं उसे नॉक नहीं कर पाता, ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, इसको भी पकड़ेंगे। और ये कंटेनर के ऊपर चढ़ जाता है एकदम बंदरों की तरह, खुदा खाली करता रहता है। इसको तो नहीं, इसका टीममेट जरूर पकड़ लेता हूँ मैं। पर और ये बॉट कब समझेंगे कि मैं इतनी बड़ी मुश्किल में हूँ, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ। तुम्हें तो आ जाता है भैया खेलने की बॉटों को तो, और ये पूरी स्क्वाड मेरे पे चढ़ जाती है बॉट ख़त्म करके। दुख होता है यार, दो किल चोरी। मैं इसलिए कह रहा हूँ दो किल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक पीछे बॉट था मेरे सामने आया था, वो चुपके से चुरा लेते हैं। और ये वाला बॉट अब ये मेरे पे चढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं, पर मैं पकड़ लेता हूँ इन्हें बहुत प्यार से। ये इनकी गलती क्या थी, दोनों आ गए लूटने भाई साहब, एक क्रेट दिखी नहीं लूटने बैठ गए। और इसका चौथा बंदा ना भाई पुल नशे में है। मैं वो सब ख़त्म करके जॉर्जो पुल खाली हो जाता है, एक स्क्वाड आई होती है उसको पकड़ के यहाँ पे आता हूँ रोजोक। और यहाँ पे होती है लड़ाइयाँ चल रही होती है बहुत पहले से। तो मैं अभी ज़रा हाथ साफ करने जाता हूँ, पर यहाँ पता चलता है एक स्क्वाड पूरी टपक चुकी है और दूसरी स्क्वाड के दो बंदे टपक चुके हैं। तो बस अब दो को ही पकड़ना पड़ेगा ना, क्यों कह रहा हूँ भाई पकड़ना पड़ेगा, हाँ पकड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ रोक के देख रहा होता हूँ कोई इस घर में बंदा तो नहीं, क्योंकि मैं गाड़ी सोच रहा हूँ इसी घर में ठोक के मारूँ। तो यहाँ होता नहीं तो मैं ठोक के मारता हूँ, और तभी फायरिंग की आवाज़ आती है दे पटाक, और मैं भगता भगता लेट हो जाता हूँ। देखो कैसे नॉक हो रहे हैं किल फील्ड में। तो भैया ये पूरी लास्ट में पीटी बन चुकी है यहाँ पर, ये एक नॉक हुआ इसका लास्ट बचा है। काश मैं इस समय पर घुस जाता, पर मेरे को पता नहीं था ना क्या सीन है, क्योंकि वरना मेरी पेटी भी बन सकती, इसलिए मैं घुसा नहीं। तो जो बचे खुचे बंदे हैं उन्हें मारना पड़ेगा और लूट लेके भागना पड़ेगा यहाँ से। तो अपने सारे नेट वेट सब मॉली वॉली यहीं फेंक देता हूँ भर भर के, पर कोई नहीं मरता, वो अलग बात है, क्या ही कर सकते हैं अब। तो मैं यहाँ बहुत ट्राई करता हूँ देखने का, और ये नीड मार के एक ही मिनट से मेरी हेल्थ कैसी तैसी कर देते हैं। और ये देखना अभी बाहर आएगा, मेरे को पता था ये इसके पीछे है, पर तब भी मैंने M4 नहीं निकाली, M4 होती तो नॉक कर सकता था मैं उसे। हाँ मेरी हेल्थ की पूरी धज्जिया उड़ चुकी है, जिसके कारण अब मैं नीचे नहीं जा सकता। तो वो हम पे रस करेंगे और उनकी पीटी मार दूंगा मैं पकड़ के। और यहाँ आपको देखने को मिलेंगे स्पाइडरमैन वाले पूरे सीन,
जो भैया मकड़ी का जाला फेंक के मारता है, वैसे तो इसमें मकड़ी का जाला नहीं, गोलियां फेंक के मारता है मेरे मुंह पर, मेरी हेल्थ की ऐसी तैसी हो जाती है दोबारा से। देखो यार सीन में क्या कहना चाह रहा हूँ, ये बंदा सीधा नीचे कूद जाता है, इसे लगता है कि मैं नीचे कूद गया, और ये स्पाइडरमैन बनके मेरे पे गोली चला रहा होता है, तो मैं इसको स्पाइडरमैन के पास ही पहुंचा देता हूँ। तो भाई साहब इसलिए कहते हैं फुल नशे में गत्ता फूक के ना खेलोगे, भाई साहब लगता है पूरी किताबों का गत्ता फूक के बैठे थे, लॉकडाउन चल रहा है यार कुछ भी नहीं है पढ़ने को, तो पुरानी किताबों का गत्ता ही फूकेंगे और क्या करेंगे बेचारे बच्चे। यहाँ पे भगता हुआ यानी गाड़ी से चलाता हुआ गाड़ी को आता हूँ ड्रॉप पे, मैं वेट करता हूँ पर कोई नहीं आता है, तो मैं यहाँ से ऑग उठा देता हूँ और चलते हैं बंदे मारने। और जब जहाँ मैं जाने वाला हूँ ना, वहाँ पे ऐसी कैंपिंग देख के ना भाई मैं तो हिल जाता हूँ, और जो बंदा होता है ना लास्ट वाला, वो भाई साहब फुल गत्ते फूक के बैठा है, कसम से बता रहा हूँ भाई। नहीं नहीं तुम सीन देखना, उसके बाद तुम्हें पक्का शोर हो जाएगा पता नहीं क्या करके बैठा है वो बंदा। मैं पहुँचता हूँ, मेरे को सिर्फ 2 फुट से सारे होते हैं, और ये देखना यहाँ नीचे ही कैंपिंग कर रहा है बंदा बैठ के, देखो क्या कह सकते हैं भाई, क्या ही कह सकते हैं भाई साहब, मतलब कहीं भी लेट जाएंगे, यहाँ मेरे को दिखा भी नहीं था वो। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, मेरे को फुटी सब यहीं से आ रहे थे, तो मैं नेड़ फेंकने की कोशिश करता हूँ, पर भाई वो बंदा यहाँ से भग जाते हैं, तो मैं कैंसिल करके एकदम बीचों बीच नेड़ फेंकता हूँ, तो उस बंदे को डैमेज होता है जो लास्ट में पिटता है, देखना अब तुम। अब देखना ये जो बंदा बैठा होगा ना कोने पे एकदम बाहर, ये तो भैया मेरे को मारने की पूरी तैयारी में था, देखना और ये सीन देख के ना भाई मैं कसम से पागल हो गया भाई, बंदा सामने सामने, मैं इसको डराने की कोशिश करता हूँ भाई डर जाता है भाई साहब, इसको देख के ना इतनी हंसी आ रही थी ना यार, कसम से मैं पागल हो गया था। और ये भाई कसम से इसको नेट से डैमेज होता है इसलिए हील करने बैठा, पर भाई कहाँ लेटा हुआ है भाई, क्या फूक के बैठा है भाई, ये मारो भाई मुझे नहीं इन्हें। आखिरकार कहाँ से आते हैं ऐसे लोग भाई साहब, हमें बताओ यार, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पबजी में लोग भाई, मतलब क्या भाई, मतलब 2 फुट से सारे थे सिर्फ 2 भाई, ऊपर जा दो 4 बंदे भैंस की कसम से, जब 3 फुट से सोने लगे ना भाई मैं तो डर गया। वहाँ पे तो थोड़ी बहुत फाइटें चल रही होती है, जो भैया पूरे सांपों की नगरी है यहाँ, तो फाइटें चलेगी ही, तो इसलिए मैं गाड़ी घुमाता हूँ 1-2 बारी, कोई नहीं मिलता तो मैं वापस गाड़ी घर पर ठोक के मारता हूँ, क्या ही कर सकते हैं भैया, सांपों से लड़ने का दम नहीं हमें, क्योंकि सांप कहाँ से डस ले भैया पता ना चलता हमें तो। को ऐसे लगाता हूँ कि मेरे को बंदा दिख जाए और मैं गाड़ी जैसी निकल जाए जल्दी से बाहर, ताकि मैं भाग सकूँ बंदे मारने, नॉट भागने। तो मैं दोबारा गाड़ी घुमाता हूँ और अभी भी कोई नहीं दिखता मुझे भैया, सारे सांप एकदम ऊपर की तरफ स्नाइपर टावर के पीछे लेटे हुए हैं जहाँ तो मेरे को लगता है, और यहाँ स्मोक हुआ होता है, यहाँ पे एक बंदा दिखता है, मैं रोकने की कोशिश करता हूँ इसको मारने के लिए, पर मेरे को दिखता है सांप भैया बड़ी दूर बैठा है, मेरे को स्पॉट हो गया था इस पेड़ के पीछे है, तो मैं इसलिए यहाँ से निकाल लेता हूँ। और ये बंदा जो गाड़ी लेके भागा है ना कसम से, ये मेरे को भी आगे मिलेगा यहीं पे, देखना तो ये गाड़ी देखी ना भाई साहब, ये गाड़ी उसी की है भाई, लौंडा पूरा घूम के यहाँ पे आ गया, तो मैं क्या करता हूँ फिर से स्क्वाड़ा उस ठोक के मारता हूँ गाड़ी, और इस बार तो अच्छे से ठोकता हूँ, मतलब अंदर एडजस्ट करता हूँ अच्छे से। हाँ क्या सीन होता है, ऊपर के सारे बंदे मर जाते हैं, सिर्फ 2 बंदे अलाइव होते हैं जिसके पास होती है M249, पर वो M249 नहीं चलाता पता नहीं क्यों मुझ पर। तो मैं यहाँ पे देख रहा होता हूँ, तो मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, तो मैं उसको पकड़ लेता हूँ, मतलब सस्ता स्प्रे होता है पहली बार, तो दूसरे बार में तो पक्का पकड़ा जाता है। देखो यार पहली बार तो सस्ता स्प्रे इसलिए क्योंकि ये छोटी सी गिर गई है, यहाँ से नहीं मारा गया, बड़ी खड़ी से जब मारूँगा ना
पक्का पक्का पक्का, इतना भी बुरा नहीं खेलता मैं यार, मजाक मत करो। सही बढ़िया चीज़ है कवर फायर। जैसा ये टीम में इसका टीममेट कर रहा है भैया, अंधी गोलियां चला रहा है, अंधी तो नहीं, उसे पता है शायद मैं कहाँ पे हूँ, इसलिए इस तरफ ही गोलियां चला रहा है ताकि मैं अंदर रहूँ, उसको ख़त्म ना करूँ। और भाई साहब स्मोक करते हैं, उसके बाद भी फायर करते हैं उसको बचाने के लिए। देखो तो भैया इसमें क्या अब सीन होता है, ये एक लौंडा बचा होता है, स्मोक फेंकता है और ये एकदम खुली रोड से उछल कूद करता हुआ आ रहा होता है, कति स्पाइडरमैन जैसे। तो मैं इसे पकड़ लेता हूँ कसम से, इसके साथ चिकन हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।